हाय हेलो नमस्कार महालक्ष्मी स्टूडियो से प्रेम से स्वागत है। हाय हेलो, कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आर्या भी ठीक है, घर में सब ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके घर में भी सभी ठीक है। तो सुबह जो आप लोग देख रहे थे दोपहर को, मतलब उस रेसिपी के बारे में नहीं, वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, ठीक है। जो बटर वाला चिकन, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लो पीछे जाके। तो ये रहा वो बटर वाला चिकन जिसको मैंने हाँ ये रहा, ठीक है। इसको मैंने अभी बोन अलग कर दिया और उसका मीट अलग करके रख दिया है। फिर प्याज ले लिया है, टमाटर ले लिया है, चॉप कोरिएंडर, चॉप ग्रीन चिली और कड़ी पत्ता, ठीक है। बट मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पर, ये क्या है, ये है मलाबार पराठा। मलाबार पराठा केरला में तो फेमस है ही, उसके साथ तमिलनाडु के सदर्न रीजन में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक्चुअली पूरे तमिलनाडु में फेमस है। जैसे मुंबई में आपको पाव भाजी के स्टॉल्स, भुर्जी के स्टॉल्स मिल जाएंगे ना हर नुक्कड़ कॉर्नर में, उसी तरह छोटे छोटे से ईटरी आपको तमिलनाडु से मिल जाएंगे जो परोठा बनाते हैं। और वैसे ईटरी में एक स्पेशल डिश है जो परोठा से बनता है और एक ग्रेवी होता है उनके पास। क्या करते हैं कि इस परोठा को अच्छी तरह पकाने के बाद उसको यूं आरु हेल्प पापा टेक दिस, इसको यूं टुकड़े कर लो, फाड़ लो, जो भी करना है कर लो, है ना आर्या? हाँ, जितना आप ज़्यादा छोटा नहीं करना, तकरीबन बाइट साइज इतना आप करना है, बस हो गया। और जैसे ये हो जाता है उसके बाद इससे इंटरेस्टिंग सा एक डिश बनता है, उसका नाम है, वो डिश का नाम है कुत्तु परोठा। जी हाँ, कुत्तु मीन्स ये जो दोसे का कड़छी होता है उसको लेते हैं और तवा में टकाटक 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 टक मार के छोटा छोटा करके उसके बाद ये सब उसमें मिलाया जाता है। अगर आप चिकन कुत्तु परोठा मांगेंगे तो जो चिकन ऑलरेडी कुक्ड है जो ग्रेवी में उसको यूज़ किया जाता है और उसके साथ डाला जाता है अंडा, भुर्जी जैसे समझ लो, भुर्जी और पाव अगर मिक्स करेंगे तो कैसा रहेगा, उसी तरह ये भुर्जी और परोठा को मिक्स किया जा रहा है। चिकन के लिए आप चाहें तो बटर वाला चिकन बना सकते हैं, नहीं तो आपके घर में जो भी लेफ्ट ओवर लंच का चिकन ग्रेवी, चिकन मसाला, चिकन सुखा, चिकन दो प्याजा, चिकन ये, चिकन वो, जो भी, चाहे मटन हो तो मटन भी यूज़ कीजिए, बहुत सही टेस्ट आएगा। तो ये मैं इसको ज़रा अभी फाड़ लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम मिलते हैं तवा पे। मैंने पराठा का जो पार्ट है वो स्किप किया है, उसमें मैंने ये रेडीमेड जो बाजार में मिल जाता है अवेलेबल इजीली, ये बहुत ही सही है, आईडी का है मलाबार पराठा। आपको बस लेके आना है, तवा में दो तीन मिनट के लिए सेकना है, ठीक है, एंड योर डन, योर गुड टू गो। ये एक पैक में 5 आता है और ये पैक बहुत ही सही है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन यूज इट, एंड जो बच गया तो ये जिप लॉक है इसमें, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने 5 पराठा यूज़ किया, तो 5 पराठा यानी कि 5 अंडा, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, एंड चिकन आपका प्रेफरेबल चॉइस है, आप ज़्यादा ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, आपका चॉइस है। मिर्ची मैंने लिया है 3, धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल करने के लिए, कड़ी पत्ता भी उसी तरह से है। ये रहा पराठा, ठीक है, पराठा नहीं, वी कॉल इट परोठा, ओके। व्हेन यू गो टू तमिलनाडु ना, यू डोंट से पराठा, यू से परोठा। परोठा सालना, सालना इज द ग्रेवी विच यू गेट विद द परोठा, बहुत ही सही रहता है। सिर्फ परोठा और सालना है ना, लाइफ सेट है। साथ में एक सनी साइड अप जिसको वहां पर बोला जाता है हाफ बॉइल, बहुत ही कम पैसे में आपका पेट भर जाएगा, अच्छा खासा भर जाएगा। तवा मैंने रख दिया है, जैसे ही तवा गर्म होता है मैं उसमें शुरू करता हूँ प्रोसेस करना। आप आ जाइए ट्राईपॉड में, ठीक है, और देखिए आराम से, सिट बैक रिलैक्स एंड वॉच द कुकिंग।
में ना एक फन फैक्ट क्या है ना, बहुत सारे जगह में आजू बाजू में दो दुकान सेम परोठा की दुकान होते, और अगर एक ही वक्त में कुत्ते परोठा का ऑर्डर आ जाए ठीक है, तो वहाँ भी परोठा मास्टर, वहाँ पर जो परोठा बना था उसको परोठा मास्टर बोला जाता है, तो वहाँ पर भी परोठा मास्टर ये करता है और दूसरे दुकान में भी परोठा मास्टर ये करता है, और दोनों के बीच में एक अनकहा से कॉम्पिटिशन हो जाता है कि किसका आवाज़ ज़्यादा जोर से आता है, तो उन लोग इतना इंटेंस उसमें घुस जाते हैं ना कि उन लोग एक दोसे का जो करची है ये छोड़ के जो ट्रे होता है स्टील का एल्यूमिनियम का वो लेके धार मारना शुरू कर दे, तो एकदम देखने में इंटरेस्टिंग से एक फैक्ट है। अगर जब भी आप ट्रैवल करें तमिलनाडु साइड, मतलब अभी नहीं ऑफकोर्स सब नॉर्मल होने के बाद, तो ज़रूर ये डिश तो वहाँ पर लेकर ट्राई कीजिए कोत्तु परोठा। चेन्नई, तिरुनेलवेली, मदुरई, एनी वेर यू गो, एनी पार्ट ऑफ तमिलनाडु यू विल गेट दिस। जो भी लेफ्ट ओवर ग्रेवी है ना, कोई भी ग्रेवी, चाहे वो चना मसाला हो, पनीर बटर मसाला, एनी ग्रेवी आइटम ठीक है, दाल नहीं है, दाल नहीं, दाल बिल्कुल नहीं, कोई मसालेदार ग्रेवी आइटम, तो मेरे पास यहाँ पर छोले हैं कल के, तो उसका ग्रेवी है मेरे पास ठीक है, तो ये भी मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ। एक तरफ चल रहा है सीरियल और एक तरफ आर्या का चॉकलेट डोसा। आज वो इतना इनोसेंट है ना, वो खुद ही मिक्स कर रहा है रागी और आटा, खुद ही मिक्स कर रहा है और बोल रहा है चॉकलेट डोसा, चॉकलेट डोसा। அரியா நல்ல கலர் பண்ணிருக்கே, இங்க அம்மா இங்க ஆயா, இங்க அம்மா இங்க ஆயா, அம்மா கி தர டிக்கி மே கலர் கலர் மேனே கி ஹே, अच्छा कलर तुम लोग ऐसा किया है क्या? ओके ओके, मेरे को लगा फ्रंट में आर्या, बैक में, बैक सीट में मम्मी और बाप की तरह डिक्की में। पापा अम्मा, ओके அப்பா இங்க ஆயம்மா அம்மா மேல, अच्छा आर्या அம்மா மடியில, ஓகே பின்னாடி பேக் சீட்ல இங்க, ஆ இங்க ஆச்சி தாத்தா, இங்க எல்லா கிட்ல இங்க, அப்ப சப் பைட் நிக்கல, ஏ கே ட்ரக் ஏ கே 4 சீட்டர்